ज्योमेट्री सीरीज में पहले पार्ट में हमने तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इस पार्ट में हम देखेंगे आगे के तीन क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप इनको पहली बार लगाते हैं तो हो सकता है पहली बार में आपको दिक्कत पैदा करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है ज्योमेट्री सीरीज में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, में पी और क्यू क्रमशः सी और डी, सी डी तथा सी बी के मध्य बिंदु हैं, सी डी और सी बी के मध्य बिंदु हैं, ये पी और क्यू जो है सी डी और सी बी के मिड पॉइंट है, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू तथा ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार अपने से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो लाइन ड्रॉ करनी होगी, दो लाइन वो होंगी इसके डायगोनल्स, ठीक है। इसको ए को सी से मिलाना है, ठीक है, ए को सी से मिला दिया, ठीक है। अब बी और डी को मिलाना है, ठीक है, ठीक, ए सी और डी बी को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, अगर डायगोनल को अगर मिला देते हैं तो वो उसकी एरिया को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। ए सी डायगोनल है जो इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर एरिया में बांट देगा, क्षेत्रफलों में बांट देगा, और डी बी भी ऐसा करता है, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे ए बी सी डी का हम एक एरिया कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये है 32, ठीक है, थर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हमने 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ए बी सी डी का कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, हमें एरिया निकालना है ए पी क्यू का, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए बी क्यू इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है ए डी पी का, फिर पी सी क्यू का, ठीक है। इन तीनों का एरिया निकाल के समांतर चतुर्भुज के एरिया में से अगर घटा देते हैं तो ए पी क्यू का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी बी देखेंगे, ठीक है। अगर ये डायगोनल है ए सी तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए सी बी का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 2 जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ए वो ए सी बी, ए सी बी ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करेगी, ठीक है, मीडियन माध्यिका का काम करेगी। अब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका जो है शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो मध्य शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वो माध्यिका कहलाती है, ठीक है, और वो ट्रायंगल को दो बराबर भागों क्षेत्रफल में बांटती है, ठीक है। तो अगर ए क्यू मिला दिया गया है तो ये इसको दो बराबर एरिया में डिवाइड करेगी ए सी बी को, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ए क्यू बी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी जो होगा हमें एरिया ऑफ ए सी बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू बी का एरिया कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी पी का भी निकाल लेंगे, जैसे आधा इधर हुआ फिर उसके आधा इधर कर देंगे, इसका भी एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ए सी डी का, ठीक है, उसी हिसाब से बटा दो कर देंगे तो ए डी पी का एरिया भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी पी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है पी क्यू सी का एरिया, ठीक है,
पी क्यू सी का एरिया निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में देखेंगे डी बी सी, ठीक है। ये डी बी लाइन जो है ये भी तो एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के। अब क्या होगा, ए डी डी बी सी का एरिया होगा कितना होगा, एरिया ऑफ डी बी सी जो होगा वो 32/2 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमें देखना है ए डी बी सी में ये पी जो है डी सी का मिड पॉइंट है और बी सी में क्यू जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम होता है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो इसका जो एरिया होगा पी क्यू सी का एरिया होगा वह डी बी सी के एरिया का 1/4 होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु प्रमेय से होगा, ठीक है। हमें एरिया ऑफ पी सी क्यू जो होगा एरिया ऑफ डी बी सी के फोर से डिवाइड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फोर से डिवाइड करेंगे तो 16/4 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें पी सी क्यू का एरिया निकल गया, पी सी क्यू का एरिया निकल गया, हमें ए डी पी का मिल गया, ए क्यू बी का मिल गया। अब हमें ए पी क्यू का अगर एरिया निकालना होगा तो इसको इसको और इसको ऐड करके टोटल एरिया में से घटा देंगे तो ए पी क्यू का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू जो होगा वह टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है क्या ए डी पी का, ए डी पी का एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ए बी क्यू का एरिया कितना है वो भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस पी सी क्यू का एरिया कितना है, पी सी क्यू का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 16 16 4 20, तो 32 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमें एरिया जो है ए पी क्यू का एरिया मिल गया और हमें ए बी सी डी का एरिया पता है, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या निकालना है, ए पी क्यू का एरिया का और ए बी सी डी एरिया का, ठीक है। ए पी क्यू के एरिया का और ए बी सी डी के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू रेशियो होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, ए पी क्यू का एरिया है 12:32, 4 से डिवाइड कर देंगे 3:8, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:8। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, आपको क्या करना था, यहाँ पे दोनों डायगोनल को ड्रॉ करना था, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से इसका एरिया निकल जाएगा और रेशियो हो जाएगा 3:8, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ए बी व ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा एम एन की लंबाई बताना है जो ए बी ए सी को एम तथा एन पर काटती हो, ठीक है। और ए बी की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है जो स्पर्श रेखा है, ठीक। और एम एन जो जो काट रही है इन दोनों को रेखाओं को, ठीक है ना, उसकी जो है लंबाई हमें बताना है, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ए है, ठीक, ये बी है, ठीक, ये सी और ये इसका केंद्र हो, ठीक। अब यहाँ पे हमें एम एन एम एन इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर ए बी की जो लंबाई है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक।
अब अगर ए बी स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर किसी वृत्त पर खींची जाती हैं तो दोनों की लंबाई भी कितनी होती है, सेम होती है, ठीक है, दोनों की लंबाई सेम हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है रचना करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक। अगर ओ को हम बी से मिलाते हैं, ठीक, ओ को सी से मिलाया तो स्पर्श रेखा पे जो है केंद्र से मिलाई हुई जो लाइन होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। हम ओ को ए से मिला देते हैं, ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो एम एन भी तो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तो इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को जो मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एम एन का मान पूछा है, ठीक। अब देखिए सर्किल जो है, सर्किल का जो रेडियस है हमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो गया 5, ठीक, तो ये भी होगा 5, ये भी होगा 5, सब 5-5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल 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 ए बी ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ में देखिए बी तो जो है एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ठीक, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा वो ए के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब हम अगर यहाँ पे ट्रिपलेट लगाते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, तो यहाँ से हम ओ ए का मान निकाल लेंगे वो 13 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 13 होता है, ठीक है। अब ओ ए का मान 13 आ गया तो ओ, इसको मान लीजिए हम जेड मान लेते हैं, ठीक, तो ओ जेड का मान 5 है तो इसका जेड ए का मान 8 होगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम ओ ए में से ओ जेड को घटा देते हैं, तो यहाँ से ए जेड का हमें मान मिल गया 13-5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ओ जेड का मान मिल गया हमें, ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें एम एन एम जेड का मान निकालना है, जिस अगर एम जेड का मान हम निकाल लेते हैं तो जेड एन का मान भी उतना ही होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, या तो हम सिमिलरिटी लगा देते हैं ओ बी ए में, ट्रायंगल ओ बी ए में और एम जेड ए में सिमिलरिटी लगाएंगे तो भी बी एम और एम जेड का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, एम जेड का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिमिलरिटी ना लगा के हम पाइथागोरस लगा देते हैं, सिंपल पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हम बी एम का मान, ये देखिए इस पॉइंट से वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा कर रही है, काम के नहीं, बी एम तथा एम जेड ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है, ठीक है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, एक ही पॉइंट पर से हैं तो, ठीक। अब बी एम और एम जेड का जो है लंबाई अगर बराबर हो गया, अगर मान लेते हैं हम इसको एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एम जेड ए में, ठीक, ट्रायंगल एम जेड ए में, ठीक, एंगल जेड जो है 90 डिग्री है, ठीक, एंगल जेड अगर 90 डिग्री है तो इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, मतलब क्या होगा, एम ए का स्क्वायर बराबर एम जेड का स्क्वायर प्लस जेड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एम ए का मान कितना होगा, 12 में से x घटाएंगे तो ma का मान आ जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mz का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस za का मान 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन करके x का मान हम निकालेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab की तरह जो है 24x हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया, ठीक, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 144 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, 44 में से 64 कट जाएगा तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे 8 स्क्वायर 144 में से 64 माइनस कर देंगे तो बचेगा 80, ठीक है, फिर यहाँ होगा माइनस 24x इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब x बराबर हम लिख सकते हैं 80 अपॉन 24 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, x का मान कितना आ गया 10/3। अब ये किसके बराबर है, m z के बराबर हुआ x का मान, ठीक है,
अगर एम जेड का मान 10/3 है तो एम एन का मान कितना आएगा, एम एन का मान जो आएगा 2 ऑफ MZ, ठीक है, मतलब 10 × 2/3 = 20/3 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से हम क्या हुआ, एम एन का मान जो है 20/3 निकाल लिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम यहाँ पे स्केच पेन से बना दिया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिमिलरिटी से हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज हम एक बना लेते हैं, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एंगल 90 डिग्री हो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। समचतुर्भुज की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि मतलब उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। एक रेखा, अब यहाँ पे हम डायग्राम में मेंशन कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब लिखा है कि एक रेखा जो है, एक लाइन जो है बिंदु सी से गुजरती है, सी से वो लाइन गुजरती है तथा ए डी को पी पर तथा ए बी को, ए डी को पी पर तथा ए बी को क्यू पर काटती है, मतलब यहाँ से लाइन ऐसे गुजर रही है, ठीक है। ए बी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ए बी को आगे बढ़ा लिया, डी को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए ये लाइन यहाँ से गुजर रही है ऐसे, ठीक। अब कह रहा है ए डी को पी पर, ठीक, और ए बी को क्यू पर कट कर रही है, ठीक। अब कह रहा है कि डी पी का जो मान है, डी पी, डी पी जो है डी पी, ठीक है, हाफ है ए बी के, ए बी का आधा है, मतलब यहाँ पे लिखा क्या है कंडीशन, डी पी जो है 1/2 है ए बी के, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ए बी का मान 2 है, 2 यूनिट, ठीक है, तो डी पी का मान क्या होगा, सिंगल 1 यूनिट होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये 2 हो गया तो समचतुर्भुज की वजह से ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, हम यहाँ पर सिमिलरिटी लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए ए पी क्यू, बड़ा जो त्रिभुज है ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक, तथा ट्रायंगल बी सी क्यू, ठीक है, बी सी क्यू, ठीक। तो ट्रायंगल ए पी क्यू और बी सी क्यू में एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी दोनों बराबर हैं, ठीक। एंगल पी और सी, एंगल पी और सी, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा, ए पी क्यू और बी सी क्यू, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल बी सी क्यू के, ठीक है। अब सिमिलर हो गए मतलब क्या होगा, अब हम देखिए समरूपता यहाँ पे लगाएंगे, तो ए पी जो साइड होगी, ए पी अपॉन बी सी, ठीक है, ए पी अपॉन बी सी, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए क्यू, ठीक, अपॉन बी क्यू, ठीक है, बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी क्यू, ठीक। अब देखिए जो ए क्यू का मान है, ए क्यू, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है, तो ए क्यू की जगह हम लिख देंगे ए बी प्लस बी क्यू, बराबर बटा हो जाएगा बी क्यू के, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए ए पी का जो मान है, ए पी, ए पी, ठीक, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों को मिल क्या हो जाएगा, 3, ठीक। बी सी का जो मान है, बी सी, वो तो 2 है, 2 यूनिट है, हो गया, ठीक। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी जो है 2 यूनिट है, 2 + BQ, ठीक है, बी क्यू, ठीक, अपॉन बी क्यू, बी क्यू का मान हमें जो है पता नहीं है, ठीक, तो बी क्यू अपॉन ए बी निकालना है हमें, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से हम बी क्यू का मान निकाल लेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए 3/2 हो गया, बराबर 2/BQ हो जाएगा ये, प्लस BQ/BQ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
2 अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 1 बाई 2, ठीक है। 2 अपॉन बी क्यू का मान जो है 1 बाई 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी क्यू का जो मान है बी क्यू वो निकाल सकते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बी क्यू का जो मान होगा 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट आ गया, मतलब इसका मान हमें कितना मिल गया, 4, ठीक। और ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी इज टू बी क्यू, बी क्यू का जो रेशियो हो जाएगा 2:4 हो जाएगा, मतलब 1:2। लेकिन पूछा क्या है, बी क्यू तथा ए बी का अनुपात बताना है, मतलब यहाँ से बी क्यू और ए बी का जो रेशियो होगा वो लट जाएगा 2:1, यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।